बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? आज मैं सना के जायकों के साथ आपके लिए बहुत ही मज़ेदार खीर की रेसिपी लेके आई हूँ, जो आजकल बहुत वायरल भी हो रही है। तो मैंने सोचा चले इसको बनाते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें जनाब, ताकि मेरी आने वाली मज़ेदार सी वीडियोज़ आपको बर वक्त देखने को मिलती रहे। चले, हमने यहाँ पर इसके लिए 1.5 किलो दूध लिया है। ये खुला दूध है मेरे पास, ठीक है, फुल फैट क्रीम दूध है ये मेरे पास, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, आपने इधर देख लेते हैं, यहाँ पे मैंने चावल भिगोए हुए हैं, ठीक है। ये आधा घंटा पहले आप भिगो दें, खीर बनाने से जब आप खीर बनाने जा रही हो ना, तो आधा घंटा पहले आपने क्या करना, सबसे पहले चावल को अच्छी तरीके से साफ़ करके धो के और भिगो देना। ये तकरीबन छोटा वाला जो कप होता है हमारा चाय का, वो आपने भर के लेना है, ठीक है। ये मैं आपको दिखा देती हूँ। दूध हमने रख दिया है इलायची डाल के कढ़ाने के लिए, इसको पकाने के लिए। जब तक हमारा दूध पक रहा है दरमियानी आंच पर, तो हमने यहाँ पे क्या करना है, चलें जी इधर आ जाते हैं। अब ये मेरे पास 1 कप चीनी है, ठीक है। ये देखें, ये जो 1 कप होता है ना मेजर कप, वो आपने भर कर लेना है, या जिससे भी आप बना रहे हो, जो भी कप आप ले रहे हैं तो वो भर के 1 कप लेंगे, ठीक है। ये हमने इसके अंदर डाला, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसका काम करना क्या है आपने, वो मैं आपको भी बताती हूँ। चीनी को हमने थोड़ा सा कैरेमलाइज करना है, ठीक है। क्या चाहिए होगा, थोड़ा सा पानी हम इसके अंदर चीनी में डालेंगे। और आपने आँच चूल्हा जो है वो बिल्कुल ही, आपने दम वाली आँच होती है ना, वो ही दम वाली आँच आपने रखनी है, वरना हमारी चीनी कैरेमलाइज होने से पहले ही जल जाएगी, और फिर जब हम वो खीर में यूज़ करेंगे तो हमारी खीर में जले जलेगी आएगी, जो बिल्कुल भी हमारे खीर के टेस्ट को अच्छा नहीं रखेगी, ख़राब कर देगी। ये देखें जी, हमारा दूध हो रहा है। अब इसमें हमने क्या करना है, अपने चावल, मैंने चावलों को थोड़ा सा हाथों से मसल लिया था, भीगे हुए थे ना, तो इसलिए वो जल्दी से थोड़े से क्रश हो गए। अगर आपके पास कंघी टोटा अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो वो तो बहुत ही ज़बरदस्त बात है, वेल एंड गुड। तो मेरे पास नहीं थे, तो फिर मैंने ये वाले चावल रेगुलर जो होते हैं वो यूज़ किए। बस अब ये चावल जो हैं वो दूध में हमारे पकते रहेंगे। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम, ये इलायची है, ये भी हम डाल देते हैं फटाफट से, ताकि हमारा ये काम जो है एक तरफ का ख़त्म हो जाए। अब चलते हैं इसकी तरफ, ये जो हम कैरेमल बना रहे हैं शुगर का सिरप, इसको आपने अच्छा सा कलर देना है, जलाना नहीं है, हल्की आंच पे तसल्ली के साथ ये काम होगा, ठीक है। अच्छा जी, ये देखें, ये बादाम है, तकरीबन मेरे पास 1.5 खाने का चम्मच मैंने पिसा हुआ बादाम है, वो इसके अंदर डाल दूँगी, तो आप इसको बादामी खीर भी कह सकते हैं। ज़बरदस्ती बन गई है ये हमारी, वाह, बादामी कैरेमल रबड़ी खीर बनेगी आज, बहुत ही शानदार इंशाल्लाह, कि सबको, बनाने वालों को, खाने वालों को, सबको मज़ा आएगा और याद करेंगे कि आपको क्या बनाना सिखाया सब ऐसी चीज़। अच्छा जी, देखें आपको एक मैं बात बता दूँ, ये जो दूध हमारा पकते वक्त, खीर पकते वक्त जो ये दूध लग जाता है, खीर लग जाती है, तो आप इसको फौरन नहीं उतारें, ठीक है, इसको लगे रहने दिया करें, थोड़ा सा 2-3 मिनट बाद उतारें, जब इसकी ये पपड़ी आ जाए साइडों में, तो उससे क्या होगा कि ये जब पपड़ियाँ जब आप इसके अंदर डालेंगे ना, तो ये रबड़ी खीर का लुक देगी, समझ रहे हैं। ये बड़ी ज़बरदस्त सी टेक्निक बता रही हूँ मैं आपको, ये जो ये दूध है साइडों में, देखें जिस तरीके से मैं कर रही हूँ, साइडों में लग जाता है ना किनारों पे, तो हल्का सा ये जब ब्राउन हो जाए तब आप इसको बेशक साइड से उतार लें, तो ये लच्छा आपका खुद ब खुद ही बन जाएगा, जैसे रबड़ी में नहीं बनाते वो लोग। अब जब बिल्कुल जब खीर बन जाए, डन हो जाए, तो आपने ये जो कैरेमल हमने बनाया है वो इसके अंदर शिफ्ट कर देंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है। ये देखें जी, ज़बरदस्त सा कैरेमल हमारा जा रहा है इसके अंदर, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। ये देखें आप इसका कलर, अब आप देखें किस तरीके से जादू से ये चेंज हो जाएगा, ये देखें हो गया ना ओटा ओटा ब्राउनिश। अच्छा, याद रहे आपको कि ये आपने
कैरेमल को ज़्यादा नहीं पकाना, कैरेमल अगर आपने ज़्यादा पकाया तो ये कड़वा हो जाता है, ठीक है, और आपकी खीर कड़वी हो जाएगी। फिर आप बाद में मुझे कमेंट नहीं करिएगा कि हमारी खीर तो कड़वी हो गई भाई, ये क्या बनाना सिखाया। तो हर चीज़ बनाने की कोई ट्रिक होती है, कुछ रूल्स होते हैं, आप उनको फॉलो किया करें जैसे मैं बता रही हूँ, फिर इंशाल्लाह आपकी खीर को ज़रा से भी कड़वी नहीं होगी और बहुत ही परफेक्ट बनेगी। अच्छा जी, मैं आपको यहाँ पे एक बात शोर कर दूँ, जब कैरेमल इसके अंदर आप डालेंगे डिज़ोल्व हो जाएगा, तब अगर आपको कमी लगे चीनी में तो आप फिर और डाल दीजिएगा कैरेमल डालने के बाद, ठीक है। जब कैरेमल आपका बिल्कुल अच्छी तरीके से इसमें मिक्स हो जाए, होने लगेगा, तो इसका खीर का कलर चेंज हो जाएगा। ये देखें जैसे कि मेरा हो रहा है इस तरफ, ठीक है, ब्राउनिश में जाएगा। अब इस स्टेज पे भले आप अपने चीनी को चेक कर लें, जिस तरीके का आपको मीठा पसंद है तो आप इसके अंदर एडजस्ट कर लें अपने हिसाब से। ये देखें यहाँ पे हमारे घर में ज़रा चीनी ज़्यादा ही खाई जाती है, तो यहाँ मैं आधा कप जो है अपने घर वालों के टेस्ट के हिसाब से आधा कप मैंने और बढ़ा दिया इसके अंदर। देखिए कितने मज़ेदार हमारी कैरेमल रबड़ी खीर बनकर तैयार हुई है। आप इसका देखिए ये टेक्सचर कितना ज़बरदस्त लग रहा है, आप इसको बनाएंगे और खाएंगे तो मज़ा आ जाएगा। चलिए अब ये ठंडी हो जाए तो एकदम खोलता हुआ नहीं डालनी हमने बर्तन में। देखिए हमारी ये तैयार हो गई है, हमने इसको अच्छा सा सजाना है बादामों से। तो आप इसको घर में ज़रूर ट्राई करिएगा, मज़ेदार सी स्वीट डिश है ये, बहुत ही आपको पसंद आएगी इंशाल्लाह। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करें, मेरी मेहनत होती है और जब आपके कमेंट्स आते हैं अच्छे अच्छे तो मेरी मेहनत वसूल हो जाती है कि आप लोगों को पसंद आ रही है जो रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मिलती हूँ अच्छी सी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।